क्रास कल्चरल कंपैरिजन में डिस्कशन कैसे लिखी जाती है हमने बड़ी डिटेल में फाइंडिंग डिस्कस की रिजल्ट्स डिस्कस किए क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन के जहाँ पे कोड्स जो हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनकी नेचर हर कल्चर हर सोसाइटी के मुताबिक डिफरेंट है कुछ चीज़ें कामन है लेकिन डिफ्रेंसेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो यह हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रीट कोड थीरी को हम जर्नरलाइज कर सकते हैं अक्रॉस दी थ्री कॉन्टिनेंट्स और थ्री कंट्री और दूसरा कि ये क्रास कल्चरल कंपैरिजन क्या पॉसिबल है और तीसरा कि क्रॉस कल्चरल जो स्टडीज़ हैं उनके दरम्यान में चैलेंज क्या होते हैं क्या वो हेल्पफुल हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिवली नेचर ऑफ द सोसाइटी या वो आ, उस तरह से नहीं है तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या सीखा क्या कि ये जो हमारे साथ सिचुएशन है तीनों कंट्रीज़ के अंदर करंट सेल्फ आर्डलाइजेशन एक जैसी है फ्यूचर सेल्फ आइडलाइजेस कहाँ कहाँ वेरी कर रही है मिसाल के तौर पर करंट आइडलाइजेशन जर्मनी में नहीं है उस तरह से पाकिस्तान में है कहाँ कहीं कहीं पर नहीं भी है साउथ अफ्रीका में है यू एस में है तो ये जर्मन कॉन्टेक्ट इज डिफरेंट लेकिन अगर रिस्पेक्ट को हम देखें तो रिस्पेक्ट जर्मनी में भी है पाकिस्तान में भी है साउथ अफ्रीका में भी यू एस में भी है अगर हम नेबरहुड परसपशनस देखें तो पाकिस्तान में भी हैं साउथ अफ्रीका जर्मनी एंड यू हर जगह पर हैं जबकि पाँच कोड ऐसे हैं जो एक जैसे नहीं है जिनमें से करंट सेल्फ आइडलाइजेशन जो है वो हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है यू यूएस में तो है लेकिन ये करंट सेल्फ आइडलाइजेशन जो है वो जर्मनी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में नहीं है फ्यूचर सेल्फ आइडलाइजेशन भी नहीं है सेम्बल्स भी नहीं है परसप्शन ऑफ वायलेंस डिफ़र करती है एनिमिटी डिफर करती है तो ये वो कोड्स हैं जबकि तीन कोड ऐसे हैं जिनमें एक रिस्पेक्ट है नेबरहुड परसप्शन और स्ट्रीट विजडम ये तीनों चारों कंट्रीज़ में ये एक जैसे हैं और ये वैलिड हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर कोड जो हैं वो डिफरेंट हैं अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तो उसकी नेचर डिफरेंट है, है। यहाँ मेरे ख्याल में ये लफ्स ठीक है कि वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो नेचर डिफरेंट है जबकि तीन कोड्स ऐसे हैं आउट ऑफ आर्ट जो कि उस तरह से ऑपरेट uh, नहीं करते तो हमने क्या लर्न किया कि कोड स्ट्रीट कोड थीरी जो है ये आठ जो हमने कोड देखे हैं क्या वो वैलिड हैं तो हमारा कंक्लूजन ये है कि ये कल्चरल स्पेसिफिक है एक कल्चर के अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो दूसरे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट तो दोनों में कॉमन है लेकिन इसके अलावा नेबरहुड परसेप्शंस ये हर जगह एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उसका जो वॉलीम है उसकी जो नेचर है इंटेंट है वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है तो इसका मतलब ये कि द कोड ऑफ द स्ट्रीट थीरी ऑल दो के कोड एग्जिस्ट बट द कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट एज द वे इट एग्जिस्ट इन द यू एस दूसरा हमने जो इससे लर्न किया वो ये है कि अंडरसन थीरी इज रेलीवेंट ओवरऑल लेकिन देर इज़ अ बंडल ऑफ नॉर्म्स एंड सोसाइटर रूल्स विच आर जनरल एंड लिंक टू वायलेंस मिसाल के तौर पे परसेप्शन ऑफ द नेबरहुड स्ट्रीट विजडम रिस्पेक्ट ये तो एग्जिस्ट करती है दे आर द कोर एलिमेंट्स विच स्टैंड बियॉन्ड द स्ट्रीट वायलेंस और इसका मतलब ये है कि दंडरसन कोड ऑफ द स्ट्रीट इज इरेलीवेंट किस किस कॉन्टेक्स में द कोड बाय इट सेल्फ इज अ कल्चरल फ्रेम्ड द कोड बाय इट सेल्फ इज अ कल्चरल फ्रेम यहाँ इसकी थी इेलीवेंट है ये ऊपर वाले तीन जगहों पे रेलिवेंट है जबकि ये आ, नीचे वाले जो हैं ये यहाँ पे ये इ रेलिवेंट है नो ऑफ दी अदर डायमेंशन ही क्लेम्ड इज स्टेबल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये डिफरेंट है देयर इज अ जर्मन पाकिस्तानी एंड साउथ अफ्रीकन कोड विच डू नॉट हैव द सेम कोर मीनिंग्स बट डिफरेंट इन करेक्टरिस्टिक्स रूल्स विच आर ऑपरेटिंग इन साउथ अफ्रीका आर नॉट इक्वल टू जर्मनी दिस मीन्स दैट अ यंग मैन फ्रॉम जर्मनी वुड कम टू ट्रबल इन साउथ अफ्रीका बट नॉट इन इट्स नेबरहुड तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कुछ ऑस्पेक्ट्स जो हैं जो कि कम हैं ये अक्रॉस द कॉन्टीनेंट एग्जिस्ट बट इट्स मीनिंग्स आर डिफरेंट एट द सेम टाइम ए नंबर ऑफ कोड टू नाट ऑपरेट एज दे आर ऑपरेटिंग इन द यू एस एंड नंबर इज द डिफरेंट वट वी लर्न द स्टेट कोड थीरी इज कल्चरल कॉन्टेक्सट हर सोसाइटी के अंदर अपना अपना अलग से कोर्ट है ये ग्लोबल फिनमोना उस तरह से नहीं एज इट इज ऑपरेटिंग इन द यूएस